राइट। तो आज जो हमें बात करनी है, आज हमें बात करनी है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का ये पार्ट है, उसका नाम है फीवर। और फीवर को मेडिकल की लैंग्वेज में पायरेक्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरेक्सिया। याद कर लो, ये वर्ड है ना पायरेक्सिया, ये वर्ड बना हुआ है पायरो से। पायरो का मतलब होता है फायर, आग, यानी कोई गर्म चीज़। और आपको पता है जब आपको फीवर होता है, बुखार होता है, तो आपकी बॉडी बेसिकली गर्म हो जाती है ना, तो इसीलिए इसको हम जो है वो पायरेक्सिया भी कहते हैं। तो फीवर क्या है? पहले से बात हमें समझनी चाहिए कि हमारे ब्रेन में एक सेंटर है हमारे ब्रेन का, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? तो मैं इसको ज़रा साइड में लिखता हूँ ताकि मेन उससे थोड़ा सा हट जाए कि इन आवर ब्रेन, हमारा जो ब्रेन होता है ना, देयर इज ए सेंटर टू कंट्रोल टेम्परेचर। तो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एक सेंटर है जो कि जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है। और ये जो सेंटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जब आप पढ़ेंगे ना अगले साल, जब आप ब्रेन पढ़ोगे तो आप देखोगे हमारे ब्रेन में डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करने के डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट सेंटर्स हैं ना, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी हमारे दिमाग के अंदर एक सेंटर मौजूद है, और वो सेंटर है लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस, लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। ये जब आप ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, और उनमें एक चीज़ हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी है। तो अब हाइपोथैलेमस का वो पार्ट जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसको हम थर्मोस्टैट कहते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोस्टैट। तो कॉल्ड, उसको हम कहते हैं थर्मोस्टैट। अच्छा, अब थर्मोस्टैट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थर्मोस्टैट बेसिकली एक डिवाइस होती है जो आपके फ्रिज के अंदर लगी होती है, जो आपके एयर कंडीशनर के अंदर लगी होती है, जो आपके और जो जो गीज़र वगैरह होते हैं इनके अंदर लगी होती है। और वो क्या करती है? वो टेम्परेचर को सेट करके रहती है, टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं होने देती। तो ये उसमें कमाल होता है। तो वो टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं होने देती, ये उसमें कमाल होता है। अब होता क्या है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस में थर्मोस्टेट लगा हुआ है ना, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है उस पॉइंट पे, जो पॉइंट हमारे एंजाइम्स का ऑप्टिमल टेम्परेचर की वैल्यू है। क्या है? तो थर्मोस्टेट जो है बॉडी का, थर्मोस्टेट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, थर्मोस्टेट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थर्मोस्टेट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एट वैल्यू सूटेबल फॉर आवर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो हमारे जो हाइपोथैलेमस में थर्मोस्टेट है ना, वो हमारे टेम्परेचर को उस वैल्यू पे सेट करके रखता है जहाँ पर हमारे एंजाइम की ऑप्टिमल वैल्यू होती है। उस वैल्यू को जिस पे हमारे एंजाइम बेस्ट काम करते हैं, जिसको हम ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो वैल्यू जिसके पर हमारे एंजाइम बेस्ट काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिमल वैल्यू। उस वैल्यू के ऊपर जब हमारा टेम्परेचर सेट हो जाता है तो उस वैल्यू को हम कहते हैं, तो कॉल्ड सेट पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? सेट पॉइंट। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे टेम्परेचर को सेट किया जाता है, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है वो काम करता है। ठीक है, अब अगर मैं आसान तरीन ज़बान में आपको बताने की कोशिश करूँ ना कि फीवर क्या होता है, तो आसान तरीन ज़बान में फीवर इज़ टेम्परेचर, फीवर इज टेम्परेचर अबव नॉर्मल सेट पॉइंट। यानी अभी हमने समझा कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के टेम्परेचर की वैल्यू को एक वैल्यू के ऊपर सेट रखता है, इसको हम बोलते हैं सेट पॉइंट। अगर किसी भी वजह से ये वैल्यू सेट पॉइंट की वैल्यू से ऊपर चली जाए तो बॉडी गर्म होने लग जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा,
और ये जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम फीवर बोलेंगे, फीवर बुखार, पायरेक्सिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमें समझ में आ गई कि टेम्परेचर अबव सेट पॉइंट इज कॉल्ड फीवर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फीवर बीमारी है। आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर कोई बीमारी नहीं है, मगर ये बीमारी की अलामत है। रादर इट इज ए सिम्टम ऑफ डिजीज। तो ये डिजीज का सिम्टम है, यानी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिन बीमारियों के अंदर आपको बुखार हो सकता है ना। अब वो कौन कौन सी हो सकती है, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, क्या चीज़ें हमें बुखार करवा सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शन हमें बुखार करवा सकता है। इसलिए आपने देखा है लोगों को जब मलेरिया हो जाता है, लोगों को जब टाइफाइड हो जाता है, लोगों को जब न्यूमोनिया हो जाता है, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन हैं, तो उनके साथ उनको बुखार हो जाता है ना, कॉमन बात है, हमने देखी। इसी तरीके से और कोई अगर डिसऑर्डर हो जो ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा हो, तो ब्रेन डिसऑर्डर्स, क्योंकि हमारा थर्मोस्टेट कहाँ पर है, हमारा थर्मोस्टेट ब्रेन के अंदर है, तो हर वो चीज़ जो ब्रेन को अल्टर करेगी वो हमारे थर्मोस्टेट को अल्टर कर सकती है और टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकती है। इसी तरीके से कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी मदद से भी बुखार को करवाया जा सकता है, इंड्यूस करवाया जा सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी बुखार होता है ना, तो बेसिकली बुखार होता किस वजह से है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे थर्मोस्टेट तक जाते हैं और हमारे थर्मोस्टेट पर जाके हमारे टेम्परेचर की वैल्यू को ऊपर नीचे कर देते हैं। वो जो केमिकल हैं जो टेम्परेचर की वैल्यू को ऊपर नीचे कर रहे हैं, बुखार करवा रहे हैं, उनको हम कहते हैं पायरोजेंस। तो केमिकल एजेंट्स responsible for developing fever are called pyrogens। क्या बोलते हैं हम उनको, pyrogens। अब अगेन देखो, pyro मतलब वही फीवर और जिन मतलब प्रोड्यूसर, जिन मतलब प्रोड्यूसर यानी बुखार करवाने वाले। अब ये जो पायरोजिन होते हैं ना, ये बॉडी खुद भी बना सकती है। मिसाल के तौर पे तुम्हारी बॉडी में खुदा ना खास्ता तुम्हें मलेरिया हो गया, मलेरिया, जैसे ही तुम्हारी बॉडी में मलेरिया होगा तो मलेरियल पैरासाइट कहाँ घुस जाएंगे, तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और रेड ब्लड सेल्स को बर्स करके फाड़ फाड़ के बाहर निकलेंगे। तो जब वो रेड ब्लड सेल को फाड़ेंगे, बर्स करेंगे, तो रेड ब्लड सेल एक सेल है ना, वो सेल डैमेज हो रहा है। तो जब भी कोई चीज़ टिश्यूज को डैमेज करती है, तो जो सेल डैमेज होते हैं वो सर्टेन केमिकल रिलीज करते हैं, और वो केमिकल दो तरह के काम करते हैं, एक तो फीवर को डेवलप करवाते हैं, और नंबर टू वो इम्यून सिस्टम के सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। वो जो हमने बात की थी इन्फ्लेमेशन में, कि जैसे ही वो मैक्रोफेजेस वहाँ पहुँचेंगे या चोट लेगी, वो हिस्टामिन रिलीज करेंगे, और हिस्टामिन से क्या होगा, और WBCs वहाँ पे आने लग जाएंगे, ऐसे होगा ना, वही चीज़ है बिल्कुल। तो अब ये जो पायरोजिन होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, पायरोजिन्स आर ऑफ टू टाइप्स। पायरोजिन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, और वो दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, कुछ पायरोजिन ऐसे होते हैं जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, उनको हम कहते हैं एंडोजीनस पायरोजिन्स। तो एंडोजीनस पायरोजिन कौन से होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इट्सेल्फ, ये बॉडी खुद बनाती है। और उनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखने हैं, उनमें से एक होता है, उसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 1, जिसको हम IL-1 भी कहते हैं, प्लस इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 भी एक जो है आपका, क्या कहना चाहिए उसको, पायरोजिन है, जो कि फीवर कॉज करवाता है। इसके अलावा जो दो हमारी किताब ने लिख दिए, मेरे ख्याल में उनके लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 भी बहुत है। उनमें से एक इन्होंने लिखा है जनाब अली, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, जिसको इन्होंने TNF लिखा हुआ है, जिसको इन्होंने TNF लिखा हुआ है, एंड
इंटरफिरॉन, इंटरफिरॉन गामा, जिसको इन्होंने INF गामा करके जो है वो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये तीन चार वो बॉडी के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स। अब ये केमिकल्स जब ब्लड के थ्रू कहाँ तक पहुँचते हैं, थर्मोस्टेट तक, तो वो थर्मोस्टेट पे जाके टेम्परेचर की वैल्यू को रीसेट कर देते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू रीसेट होती है तो टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और जैसे ही ज़्यादा होती है तो हम बुखार महसूस करने लगते हैं। तो अब हम लिखते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं, तो दीज पायरोजेंस रिलीज्ड बाय सेल्स ट्रेवल टू ब्रेन थ्रू ब्लड। यानी ये जो पायरोजिन है, दीज पायरोजेंस रिलीज बाय सेल्स, कौन से सेल, जो सेल डैमेज हो रहे हैं, और वो ब्रेन तक कैसे पहुंचेंगे, थ्रू ब्लड, और ब्लड के जरिए ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। और जब वो ब्रेन तक पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो थर्मोस्टेट की वैल्यू को रीसेट कर देंगे। और ये क्या करते हैं, दे रीसेट सेट पॉइंट वैल्यू अबव नॉर्मल। तो वो उसको नॉर्मल से ज़्यादा कर देते हैं, और जब वो उसको नॉर्मल से ज़्यादा कर देंगे तो आप बुखार महसूस करना शुरू कर देंगे, अब जो फीवर है ना, फीवर होने के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो अब फीवर के फ़ायदे क्या क्या होते हैं उनको ज़रा देख लेते हैं हम लोग। अब फीवर के फ़ायदे क्या क्या होते हैं उनको ज़रा एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि फीवर के कुछ फ़ायदे हैं, फीवर के कुछ नुकसान हैं। देखो फीवर का फ़ायदा क्या है, फीवर का पहला फ़ायदा ये है कि इट विल इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है ना, तो टेम्परेचर से हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता, वो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबके लिए भी नुकसानदेह होते हैं, और जब उन सबके लिए नुकसानदेह होता है तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। ये इनहिबिट करता है, नंबर टू, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ फंजाई, यानी अगर हमें कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी ग्रोथ को भी स्लो करता है। जब उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें इतना टाइम मिल जाता है कि हम इम्यून सिस्टम के सेल्स को बुला सकें, रिक्रूट करवा सकें। तो ये क्या करता है, बेसिकली इट प्रोवाइड टाइम रिक्वायर्ड टू रिक्रूट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम एट साइट ऑफ डैमेज, यानी जिस टाइम पर जिस जगह पर डैमेज हुआ है वहाँ पर इम्यून सिस्टम के सेल्स को बुलाने जितना टाइम मिल जाए। बैक्टीरिया की और फंजाई की ग्रोथ थोड़ी स्लो कर देता है, बैक्टीरिया फंजाई से हमारी क्या मुराद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। अच्छा, सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा क्या होता है, फीवर का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि फीवर इंडिकेट करता है आपको, आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका हमें पता ही फीवर की वजह से चलता है। अगर फीवर ना हो तो हमें शायद उनके बारे में पता ही ना चले। तो फीवर एक इंडिकेटर है, एन इंडिकेटर दैट इंडिकेट्स सम रॉन्ग डूइंग इन आवर बॉडी। तो ये एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कोई गड़बड़ चल रही है। अच्छा, ये इंटरफेरॉन गामा मैंने लिख दिया, ये इंटरफेरॉन अल्फा है, इंटरफेरॉन अल्फा, ओके। तो ये जो है हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है। मगर फीवर का सिर्फ फायदा नहीं है, फीवर के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनको ज़रा हम समझ लें, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे फीवर के। पहला तो फीवर का जो नुकसान हो सकता है वो क्या हो सकता है जनाब अली, के जो फीवर है ना, इसके नतीजे में आपकी बॉडी का बहुत सारी जो एनर्जी है, जो बहुत सारी आपके पास एनर्जी है, वो हीट की फॉर्म में आपकी बॉडी से लॉस हो जाती है।
तो इट इज़ ग्रेट लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट। तो बहुत सारी आपकी बॉडी से जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, वो हीट की फॉर्म में आपकी बॉडी से निकल जाती है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इसका, ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान, फटीग में आप थकावट महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही होती है, तो आप एकदम थकावट महसूस करते हैं, जिसमें आपको दर्द होता है बहुत, आप जो है वो बेदार हो जाते हैं ना। इसलिए आप देखते हैं जब आप बीमार होते हैं, जब बुखार आपको हो जाता है, तो एकदम आपकी तबीयत बिल्कुल गिरी गिरी होती है, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा होता है, कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता है, चिड़चिड़ाहट आपको हो जाती है ना, ये सारी चीज़ें हमें होती हैं। तो फटीग बॉडी एक, और साथ ही साथ चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने ये सलाह दी है कि जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आप उसको कम करने के लिए स्वेटिंग वेटिंग वगैरह करने की कोशिश करते हो ना, तो आपने ध्यान में रखना है कि इससे आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, यानी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई, इतनी स्वेटिंग हुई कि बहुत सारा पानी आपका निकल गया बॉडी का और आपको डिहाइड्रेशन हो गई, ठीक है। अगर आपका थर्मोस्टेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, जैसे छोटे बच्चों में होता है खासतौर पर, वो आपने अक्सर सुना क्यों कहते हैं यार वो छोटे बच्चे को बुखार हुआ था, बुखार उसके दिमाग पर चढ़ गया, ये अक्सर आप सुनेंगे, तो दिमाग पर चढ़ने से मुराद ये नहीं होती कि बुखार को दिमाग पर जाके बैठ गया, इट मीन्स ब्रेन को इफ़ेक्ट किया है फीवर ने। तो बहुत सारे लोगों को फीवर्स की वजह से दौरे भी पड़ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सीजर्स, क्या बोलते हैं, तो इट कैन कॉज सीजर्स, इट कैन कॉज सीजर्स, सीजर्स मतलब होता है दौरा पड़ना। तो वो छोटे बच्चे खासतौर पर जो होते हैं वो बड़े वल्नरेबल होते हैं और उनको इससे दौरे पड़ सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 105, 106, 107 डिग्री पे चला गया, नॉर्मल आपको बताया ना कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा चढ़ गया, तो इससे आपके एंजाइम डीनेचर भी हो सकते हैं। तो कैन कॉज एंजाइम डीनेचुरेशन, एंजाइम डी नेचुरेशन, तो ये एंजाइम डीनेचुरेशन भी करवा सकता है। तो फीवर के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, इसलिए फीवर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, फीवर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी एक बात ध्यान में रहे, ये अच्छा ये बात अभी निकल आई है, अभी आपने सुना है कि एक 6 अप्रैल से आपने सुना है कि भाई वो हीट वेव आ रही है ना, हीट वेव से मुराद गर्मी की लहर आ रही है, और जब गर्मी की लहर आती है तो एक और चीज़ होती है, ये ड्रग्स वगैरह की हमने बात की है ना, तो ड्रग के साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मुझे ऐसे ही याद आ गया, हीट स्ट्रोक, ये जो लोगों को लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक में भी टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए जिन लोगों को हीट स्ट्रोक होता है उनका तरीका क्या होता है, उनकी बॉडी को कूल डाउन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनकी बॉडी को कूल डाउन करना चाहिए। कैसे कूल डाउन करना चाहिए, वो बहुत आसान तरीका है, और कैसे करेंगे कूल डाउन, उसको ठंडा पानी पिलाएंगे, उसको ठंडे पानी के टब में जो है वो जो है लिटाते हैं पानी के अंदर, शावर के नीचे उसको खड़ा करते हैं, या उसको सिर्फ और सिर्फ एक सिर्फ क्या कहना चाहिए उसको, एक ये समझो ऐसे कि उसको एक शॉर्ट एक चड्डा उसको बना के उसके आर्म पिट्स के अंदर, उसके ग्रोइन के अंदर, उसके टांगों के अंदर, गर्दन के ऊपर जगह बर्फ़ रखी जाए, ताकि उसकी बॉडी थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए ना, जिनको लू लगती है ऐसे ही करते हैं। खैर नहीं, बस सर्दियों में किसको लू लगेगी, मार खाएगा मुझसे, वो अलग चीज़ होती है। और ये कह रहा है कि वो जो बुखार में ठंड लगती है उसके का चक्कर है, उसका चक्कर ये होता है कि आपको बुखार के दौरान ठंड नहीं लगती, जब बुखार उतरता है तब ठंड लगती है, यानी जैसे आपको बुखार उतरा, जैसे मलेरिया में बुखार चढ़ा, उसके बाद वो बुखार उतरेगा, तो जैसे बुखार उतरेगा तो आपकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ेगी, और जैसे आपकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ती है तो आपको शिवरिंग और कपकपाहट ये सारी चीज़ें होती हैं, उतरते वक्त होगी, बुखार चढ़ते वक्त नहीं होगी, ठीक हो गया। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फीवर, ये फीवर की हमने सारी बात कर ली।